हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बैंक एग्जाम स्टडी डॉट कॉम। तो चलिए आज हम करने वाले हैं 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आरबी ग्रेड बी के सिलेबस में 40 मार्क का है हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये हेनरी फायोल ने हमें दिए हैं, 14 प्रिंसिपल्स हैं। एक एक करके हम सब पे आएंगे, समरी में आपको बताऊंगा। सबसे पहले अबाउट द टीचर, मेरे बारे में, मेरा नाम है रमनदीप सिंह और मैंने बीकॉम करा हुआ है, बीकॉम प्लस एमबीए फाइनेंस फ्रॉम पीएयू लुधियाना। एंड पिछले 5 सालों से मैं बैंक एग्जाम स्टडी डॉट कॉम पर काम कर रहा हूँ, जीके डाइजेस्ट पर काम कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले प्रिंसिपल की, दैट इज डिवीजन ऑफ लेबर। पहली बात तो अगर एक कंपनी में, मान लीजिए, थोड़ा सा बताता हूँ कि एक कंपनी है, अगर उसमें 10 एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे अभी मैं सारी की सारी एग्जांपल्स हैं वो मैं अपने यहाँ पे, मेरे पास 3 लोग काम करते हैं, 3 राइटर्स काम करते हैं, उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊंगा ताकि आप भी रिलेट कर पाएँ और मैं भी रिलेट कर पाऊँ, राइट। तो डिवीजन ऑफ वर्क, वर्क शुड बी डिवाइडेड अमंग इंडिविजुअल्स। एक तो अगर मेरे पास 3 लोग काम करते हैं, राइट, एक पर्सन को मैंने बोल दिया भाई आप जो है वो आप क्यूटी पे काम करेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे काम करेंगे, हमेशा रोज़ाना जैसे मैं करता हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे काम करेंगे। दूसरा पर्सन जो बैठा हुआ है उसको मैंने बोल दिया आप इंग्लिश सेक्शन पे काम करेंगे, जैसे हम बैंक एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाते हैं ऑनलाइन, तो उसमें सेक्शंस होते हैं जैसे कि आप जानते हैं कि यूटी है, इंग्लिश है, रीजनिंग है। अगर सारे सेक्शंस मैं खुद करूं तो हो सकता है कि मैं एक पर्टिकुलर सेक्शन पे स्पेशलाइजेशन मेरी कभी आ ही नहीं पाएगी। लेकिन अगर मैं एक बंदे को बोल दूं, एक राइटर को बोल दूं कि आप डेली सिर्फ इंग्लिश पे लिखेंगे, आप डेली करंट अफेयर्स पे लिखेंगे या डेली आप रीजनिंग पे लिखेंगे, तो उनका जो लिखने का क्वालिटी होगा वो थोड़े दिनों में वो बेटर होता जाएगा, उनमें एक स्पेशलाइजेशन आ जाएगी, डिवीजन ऑफ वर्क हो जाएगा। स्पेशलाइजेशन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे स्पेशलाइजेशन से क्या होता है, एफिशिएंसी आ जाती है काम में। अगर एक पर्टिकुलर बंदे को एक जो पूरा एक प्रोसेस है, जैसे आप मान लीजिए कि आप किसी शॉप पे जाते हैं, किसी अच्छी शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे एक हलवाई के पास जाते हैं, समोसे बना रहा होता है, आप देखेंगे एक बंदा जो उसमें फिलिंग भर रहा होता है, दूसरा और उसको तल रहा होता है, तीसरा उसको पैक कर रहा होता है, एक सेठ जी जो होते हैं वो पैसे कलेक्ट कर रहे होते हैं। ये इन्होंने अपना काम सारा डिवाइड कर दिया। अगर आप देखिए कि ये 4 लोग हैं, ये 4 लोग सोचें कि हर बंदा अपने आप का अपने पे काम करे, फुल काम एक बंदा करे, कि पहले समोसे पूरे फिलिंग करे, फिलिंग बनाए, फिलिंग करे, उसको तले, फिर बेच के पैसे भी खुद कलेक्ट करें, तो क्या आपको लगता है कि ये लोग अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता। तो हेनरी फायोल का ये जो पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क, या इसको आप कह सकते हैं डिवीजन ऑफ लेबर भी कहते हैं इसको, वैसे बुक में डिवीजन ऑफ लेबर दिया हुआ है हेनरी फायोल की, लेकिन इसको डिवीजन ऑफ वर्क या डिवीजन ऑफ लेबर बोल सकते हैं। वर्क को, एक काम को हिस्सों में बांटने से स्पेशलाइजेशन आती है, तो उससे स्पेशलाइजेशन से एफिशिएंसी बढ़ती है, कॉस्ट कम होता है। चलिए अगले प्रिंसिपल पे आते हैं, अथॉरिटी। वैसे सिर्फ ये कॉन्सेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। मान लीजिए कि यहाँ पे मुझे अथॉरिटी दी गई है, मेरे पास अथॉरिटी है कि मैं यहाँ पे 4 लोगों को काम दिया, मैंने 3-4 लोगों को काम दिया, मान लीजिए बैंक एग्जाम स्टडी जीके डाइजेस्ट पे मैंने 4 लोगों को काम दिया, इन लोगों को मैं रोज सुबह आके एक काम देता हूँ कि आप ये कीजिए, आप ये कीजिए, आप ये कीजिए, एट द एंड ऑफ अ वीक, एट द एंड ऑफ अ मंथ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो इन्होंने काम किया है उस पर कुछ रिजल्ट आया है या नहीं आया है, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छे से, और अच्छे से इसको देखे, जिस बंदे के पास अथॉरिटी है रिस्पॉन्सिबल भी वही बंदा। आपके घर पे अगर इफ़ योर फादर इज द फाइनेंस मैनेजर, फाइनेंस मिनिस्टर, सारे पैसे वो संभालते हैं, इफ़ योर मदर, सारे पैसे आपकी मम्मी संभालती है बचपन से, तो घर पे अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सारी की सारी प्रॉब्लम वही सॉल्व करें। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत क्लोजली रिलेटेड है। जिस बंदे को अथॉरिटी मिली है एंड में रिस्पॉन्सिबल भी वही होगा। मान लीजिए आपके एरिया में कोई काउंसलर है या एमएलए है,
अगर उनके एरिया में सड़कों की बहुत हालत ख़राब है, या CM साहब आए, चीफ मिनिस्टर आते हैं, एक लोकेशन का, एक एरिया का मुआयना करते हैं, उनको दिखता है कि यार ये स्ट्रीट लाइट नहीं चल रही है, ये सड़कें बहुत ख़राब हैं, तो वो किसके पास जाएंगे? वो सबसे पहले उस एरिया के MLA के पास जाएंगे या उस एरिया के काउंसलर को बुलाएंगे, बताइए आपको पैसे दिए गए थे, आपको फंडिंग मिला था तो आपने क्यों नहीं बनवाया? फंडिंग मिला मतलब अथॉरिटी दिया गया बनवाने का, पूरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को बोलते या कुछ भी करते, ये आपको अथॉरिटी दिया गया था, अगर नहीं बना तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं, तो MLA इज़ द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। तो यहाँ पे एक पॉइंट बहुत अच्छा निकल के आता है कि हु शुड बी रिस्पॉन्सिबल, इट शुड बी बैलेंस्ड, अथॉरिटी और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको हमेशा बैलेंस करके चलना पड़ेगा। अगर अथॉरिटी होगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, वही बात आ जाती है, नाम नहीं लूंगा किसी का, अगर हमारे एरिया में MLA साहब हैं, उनको 3 करोड़ रुपए मिल गए फंड का कि आप अपने एरिया में सुधार कीजिए, और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई चेक करने वाला नहीं है, कोई CM साहब नहीं चेक करते, कोई न्यूज़पेपर वाला नहीं चेक करता, कोई मीडिया नहीं चेक कर रहा, तो क्या होगा? कुछ एक ईमानदार लोग होंगे, कुछ एक नहीं, ज़्यादातर लोग ईमानदार होते हैं, 90% लोग तो ठीक है अपना काम करते रहेंगे, लेकिन जिस बंदे को पता चल गया जाएगा कि मेरा काम चेक नहीं होना, या आपको पता चल जाए, आप अगर स्कूल में थे, आपको पता है कि हॉलीडे होमवर्क मेरा चेक नहीं होगा, तो आप क्यों करेंगे? तो बहुत सारे लोग नहीं करेंगे। सिमिलरली अगर अथॉरिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो इररिस्पॉन्सिबल हो जाएगा बंदा, बिहेवियर बहुत इररिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। लेकिन अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अथॉरिटी ही नहीं है, मान लीजिए वही MLA कहे कि सर मुझे तो फंड ही नहीं मिला, तो बात खत्म होगी, तो पॉइंट ही नहीं बनता, बिल्कुल इनफेक्टिव हो जाएगा। वो बोलेगा सर 3 करोड़ रुपए फंड था, मुझे तो 1 करोड़ रुपए मिला, तो मैं रोड कहाँ से बनाऊँ, ये मैंने स्ट्रीट लाइट, तो ये पैसे मैंने स्ट्रीट लाइटों पर लगा दिए, तो ये इनफेक्टिव हो जाता है पूरे का पूरा। तो नेक्स्ट पॉइंट करते हैं डिसिप्लिन। जैसे कि नाम बताता है, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स अ कॉमन एफर्ट्स ऑफ द वर्कर्स, पेनल्टी शुड बी अप्लाइड। तो एक सबसे अच्छा पॉइंट ये निकल के ये आता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना डिसिप्लिन के नहीं रह सकती। अगर सुबह 10 बजे का टाइम है ऑफिस में आने का, हमारे यहाँ पे जैसे 10 बजे हम आते हैं और शाम को 6 बजे का टाइम है, लंच टाइम इज 2 to 3, उसके दौरान अगर कोई बंदा 10 की जगह 10:30 आता है, आज 10:30 आया, कल को 11 बजे आएगा, परसों को 11:30 आएगा, चौथ को आएगा ही नहीं, तो डिसिप्लिन नहीं होगा। अगर फ़ोन का इस्तेमाल होता है, मतलब 10 बजे अभी आगे चलिए तो व्हाट्सएप खोल के बैठ जाते हैं लोग, या बहुत कुछ करते हैं अपना काम छोड़ के, तो ये लैक ऑफ डिसिप्लिन होता है। एक बंदा करता है, अगर 10 लोग बैठे हैं तो वो देखते हैं कि यार ये बंदा ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, तो धीरे धीरे ये आदत बन जाती है सबकी, और जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं वो फुलफिल नहीं होते। तो बहुत डिटेल में दिया हुआ है हेनरी फायोल ने, लेकिन जो आपके सीखने लायक है कि डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, ये दूसरा पॉइंट है। उसके बाद आते हैं यूनिटी ऑफ कमांड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्कर्स शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन मैनेजर ओनली, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लीजिए ये मैनेजर है एक, दिस इज वन मैनेजर, और यहाँ पे 4 सबॉर्डिनेट्स हैं, मान लीजिए ये मैनेजर का काम है कि इसने एक मॉल को पेंट कराना है, एक पूरे मॉल को पेंट कराना है, छोटा सा मॉल है, ये 4 लोगों ने मिलके पेंट करना है, पेंटिंग, ये मॉल है, ये मॉल का तो शेम बना हुआ हट सी बन गया, इस मॉल को पेंट करना है, इसको पेंट करना है, और ये 4 लोगों ने मिलके इस मॉल को पेंट करना है, एंड ही इज़ अ मैनेजर, ये बताएगा कि कौन सा कलर करना है, कौन से ब्रांड का कलर करना है, कैसे क्या करना है, ये मैनेजर साहब हैं, ये मैनेजर साहब इनको बताएंगे। चलिए अगर ये मैनेजर बोलता है कि मेरे को पीच कलर या क्रीम कलर चाहिए आप कर दीजिए, और यहाँ पे ये कलर कीजिए, ये आप कंपनी का पेंट खरीदिए, तो ठीक है। अब ये अगर एक बंदा कहेगा तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए यहाँ पे एक दूसरा मैनेजर भी है, ये मैनेजर 1 है और ये मैनेजर 2 है, ये मैनेजर बोल गया कि आप कर लो क्रीम कलर कर लो, और ये दूसरा मैनेजर बोलता है कि नहीं मुझे तो यार ब्लू कलर चाहिए, तो काम कैसे होगा? तो ये लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ये लोग तो बोलेंगे कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया।
उनकी स्माइल स्माइल खत्म हो जाएगी, ये कहेंगे कि यार ये मैनेजर कहता क्रीम करो ये ब्लू करो, ये करेंगे ही नहीं काम, ये कहेंगे छोड़ो, मिक्स हो जाएगा। तो यूनिटी ऑफ कमांड का जो प्रिंसिपल है वो हमें ये बताता है कि एक ही मैनेजर होना चाहिए, एक ही जो हमारा सीनियर है वो सिर्फ एक ही होना चाहिए, एक ही बंदे से हमें ऑर्डर मिलना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि ये मैनेजर है और ये इसका सीनियर है, अगर ये इसका सीनियर है, ये मैनेजर है और ये सीनियर मैनेजर है, अगर सीनियर मैनेजर है ये अगर ब्लू कहता है तो इसकी बात नहीं मानेंगे, तो ब्लू कलर ही होगा क्योंकि ये इसका सीनियर मैनेजर है तो उसकी बात माननी पड़ेगी। तो ये पॉइंट निकल के आता है, एक ही बंदे से ऑर्डर मिलना चाहिए हमेशा। चलो अगले प्रिंसिपल पे आते हैं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एंटायर ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मूविंग टवर्ड्स अ कॉमन ऑब्जेक्टिव इन अ कॉमन डायरेक्शन। सारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक ही गोल होना चाहिए, एक कॉमन डायरेक्शन की तरफ चलना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए भी एक वही बात आ गई, ये एक मैनेजर है, ये चार एम्प्लॉई हैं, वर्कर्स हैं कह लीजिए, एम्प्लॉय तो वो भी है, अभी ये दो लोग हैं ये कुछ और कर रहे हैं, अगर ये दो लोग हैं ये कुछ और कर रहे हैं, तो अपना जो गोल है वो अचीव कैसे होगा। मान लीजिए अगर बैंकिंग सम छोटे की मैं बात करूँ, अगर हम लोग चार लोग बैठ के अगर काम कर रहे हैं, ये चार मान लीजिए राइटर्स और मैं यहाँ पे बैठा काम करवा रहा हूँ, हमारा गोल होता है कि हम अच्छे से अच्छा स्टडी मटेरियल बनाएं। अगर इनमें से ये दो लोग आके कहते हैं कि सर हम, चलिए मान लीजिए कि सब सब लोगों का इंटेंशन वही है कि इस कंपनी को आगे तक लेकर जाना है, लेकिन मान लीजिए ये दो लोग आके कहते हैं कि सर नहीं हमें बैंक एग्जाम्स टुडे पे काम नहीं करना चाहिए, हमें एक नया एक प्रोजेक्ट बनाते हैं उस पर काम करना चाहिए, तो गोल ख़राब हो रहा है, डायरेक्शन ख़राब हो रही है। डायरेक्शन एक सिंगल डायरेक्शन होनी चाहिए, पूरी कंपनी की एक सिंगल डायरेक्शन होनी चाहिए और सब लोग उसी तरफ काम करने चाहिए। एक विजन होता है कंपनी का, उसी विजन को ध्यान पे रख के सभी वर्कर्स को काम करना चाहिए। अगले पॉइंट पे आते हैं, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। ये पॉइंट बहुत अच्छा है कि मान लीजिए एक एक यहाँ पे मैनेजर है, ये चार लोग काम कर रहे हैं, अभी ये पॉइंट निकल के आता है कि मान लीजिए हम बैंक एग्जाम स्टडी डॉट कॉम पे काम कर रहे हैं, मान कह लीजिए कर रहे हैं, अगर हम बैंक BET पे काम कर रहे हैं, BET पे हम सब लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, हम सब लोगों का जो एफर्ट है वो सारा निकल के जाता है BET में। अभी ऑफिस में बैठे बैठे मान लीजिए ये एक पर्सन है, ये कहता है कि इसको अपनी कोई साइट चलानी है या अपना कोई यूट्यूब चैनल चलाना, और ये यहाँ पर बैठा बैठा कुछ और करता रहे, या तो कुछ आप कह लीजिए कि अपना कोई प्रोजेक्ट कर रहा है, पर्सनल पर्सनल वर्क कर रहा है, पर्सनल वर्क कर रहा है, या आप कह लीजिए कि फ़ोन पे लगा रहता है, या कह लीजिए कि ये बहुत लेज़ी है। लेज़ी होना भी ये आपका जनरल इंटरेस्ट हो गया ना, अगर आप बैठे हुए सो जाते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ रहे, इवन न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, अगर वो हमारे काम से कुछ लेना देना नहीं है, जो हमारा जनरल इंटरेस्ट है, जो हमारा पूरा कंपनी का गोल है, अगर उससे ये लेना देना नहीं है, आप फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर्सनल काम कर रहे हैं, अगर उससे कंपनी का कुछ लेना देना नहीं है, तो ये आपका पर्सनल इंटरेस्ट हो गया। अगर आप कुछ पर्सनल काम कर रहे हैं, फोन अटेंड कर रहे हैं, लेजी हो रहे हैं, या आप क्या कहते हैं नौकरी डॉट कॉम वगैरह इधर उधर आप जॉब सर्च कर रहे हैं उधर बैठे हुए कंपनी में, तो ये आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट की तरफ जा रहे हैं, ये आप कंपनी के इंटरेस्ट की तरफ नहीं जा रहे हैं, तो इसको सबॉर्डिनेट करना चाहिए, ये सारा काम नहीं होना चाहिए, ये सबॉर्डिनेट होना चाहिए, हमारे सारे एफर्ट इधर ही लगने चाहिए। कि जनरल इंटरेस्ट, जनरल इंटरेस्ट जो मैंने आपको बताया पहले कि एक कंपनी का एक इंटरेस्ट होता है जनरल। फेयर रिमुनरेशन, ये बहुत अच्छा एक पॉइंट है कि कितनी सैलरी मिलनी चाहिए जब एक जो हमारे पास काम करते हैं लोग, या इवन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं लोग, उनको कितने पैसे मिलने चाहिए। मार्केट वैल्यू के हिसाब से ठीक है, एट द एंड ऑफ डे मार्केट वैल्यू के हिसाब से होता है, लेकिन जो मार्केट वैल्यू है लेबर की या वर्कर्स की वो कैसे डिटरमाइन होती है। एक तो कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, सप्लाई ऑफ क्वालिफाइड पर्सोनल, ये वही हो गया डिमांड सप्लाई,
जनरल बिजनेस कंडीशन सक्सेस ऑफ बिजनेस, मतलब जो रेम्यूनरेशन है, अगर मान लीजिए अगर बैंक एग्जाम थोड़े आज की डेट में चल रहा है, अगर कल को हम बहुत ज़्यादा तरक्की कर लेते हैं इन्हीं एम्प्लॉयज़ के साथ, इन्हीं राइटर्स के साथ, तो ऑब्वियसली जो सक्सेस ऑफ बिजनेस, अगर हमारा बिजनेस ज़्यादा, बिजनेस नहीं बोलूँगा, चलो एट द एंड ऑफ द डे वी मेक सम मनी, अगर हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सक्सेसफुल हो जाता है, और सक्सेसफुल हो जाता है, तो ऑब्वियसली अगर हम वी आर मेकिंग मोर मनी, अगर वी आर मेकिंग मोर मनी, तो ये पैसा वर्कर के पास जाना चाहिए। पहली बात तो वर्कर को पैसे जो मिलने चाहिए वो कॉस्ट ऑफ लिविंग और मार्केट डिमांड के हिसाब से मिलने चाहिए। मिनिमम कॉस्ट ऑफ लिविंग तो देना ही चाहिए। इफ़ यू आर नॉट गिविंग देम, अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग ही उसको नहीं मिल रही तो वो काम कैसे करेगा? वो पूरे मोटिवेशन के साथ काम कर ही नहीं पाएगा। वो इधर उधर देखेगा और अपना और अपॉर्चुनिटीज़ देखने की कोशिश करेगा। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग कम से कम उसको मिलना चाहिए, और ये जो रेम्यूनरेशन है ये मार्केट के हिसाब से भी, कितना सप्लाई है, कितना डिमांड है, इसके हिसाब से होता है। जनरल जो बिजनेस कंडीशंस है, अगर आपकी जनरल बिजनेस कंडीशन अच्छी चल रही है तो उसके हिसाब से रेम्यूनरेशन डिसाइड होता है। तो चलिए बात करते हैं सेंट्रलाइजेशन, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। हेनरी फायोल डिफाइंड सेंट्रलाइजेशन एज लोअरिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ सबॉर्डिनेट रूल। तो ये एक अच्छा पॉइंट है कि मान लीजिए कि ये मैनेजमेंट है एंड उसके बाद, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा इस ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को, इसको बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बोलते हैं। ये मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट बोर्ड है, ये मैनेजर है, मैनेजर और ये वर्कर्स हैं, ये बहुत सारे वर्कर्स हैं। जो सेंट्रलाइजेशन है वो क्या बोलता है? सेंट्रलाइजेशन ये हमें बताता है कि डे टू डे एक्टिविटीज़ में जो सीनियर्स हैं उनका जो रोल है वो ज़्यादा हो, ये सेंट्रलाइजेशन बताता है। डिसेंट्रलाइजेशन बताता है कि डे टू डे एक्टिविटीज़ में जो लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं, जितना नीचे जाते जाओ उनका रोल जो है वो ज़्यादा हो। अगर मैं बोलूं कि रोल जो एम्प्लॉय या जो वर्कर्स का अगर बढ़ा दिया, जो लोअर लेवल के जो काम कर रहे हैं उनका रोल बढ़ाते जाएंगे, तो उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया। अगर जो टॉप मैनेजमेंट है उसका रोल बढ़ता जाएगा तो उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। तो एक बैलेंस होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना बैलेंस होता है। आईटी कंपनीज में डिसेंट्रलाइजेशन ज़्यादा होता है, मैन्युफैक्चरिंग में सेंट्रलाइजेशन ज़्यादा होता है। तो ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन की कितना सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन कौन सा लेवल का चाहिए। चलिए बात करते हैं स्केलर चेन की। स्केलर चेन का सिंपल ये फंडा है कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, जो जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था, एक ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट है, ये मैनेजमेंट है, मान लीजिए कि ये मैनेजमेंट है, ये आप मान लीजिए सीनियर मैनेजर्स हैं, सीनियर मैनेजर्स हैं, और ये डिप्टी मैनेजर है, और ये क्या कह लीजिए एग्जीक्यूटिव्स हैं। एक बैंक की एग्जांपल ले रहा हूँ, एक प्राइवेट बैंक की एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर तो ये जो एग्जीक्यूटिव्स हैं इनको कोई भी प्रॉब्लम आती है, इन्होंने कुछ भी पूछना है, अगर तो ये डायरेक्टली सीनियर मैनेजर को अगर कॉन्टैक्ट करेंगे तो सीनियर मैनेजर के पास ऑलरेडी बहुत सारे काम है, और 60-70 अगर एग्जीक्यूटिव है तो कैसे मैनेज करेगा? तो पॉसिबल नहीं होगा। तो मैनेजमेंट का ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के हिसाब से ही जो कम्युनिकेशन है वो होना चाहिए, इस ऑर्डर के हिसाब से होना चाहिए। अगर तो ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं ठीक है, सीनियर मैनेजर को ये डीएम के साथ अपना लिंकअप करना चाहिए और डीएम को ये अपने डिप्टी मैनेजर को एग्जीक्यूटिव के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए। बनता तो ये है कि ये बंदा ऐसे ऐसे चले, ये कम्युनिकेशन लेवल। अगर एग्जीक्यूटिव को सीनियर मैनेजर तक कोई कम्युनिकेशन करना है तो पहले वो डीएम को बताएगा, डीएम सीनियर मैनेजर को बताएगा। लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है या कुछ बहुत इमरजेंसी होगी है तो एग्जीक्यूटिव ये सीनियर मैनेजर को कांटेक्ट कर सकता है। इसको गैंग प्लैंक बोलते हैं। बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये गैंग प्लैंक। ये एग्जीक्यूटिव सीधा सीनियर मैनेजर से भी बात कर सकता है, इसको गैंग प्लैंक बोलते हैं। इसको इससे बात, डीएम से बात किए बना,
लेकिन ये इमरजेंसी के केसेस में होना चाहिए। ऑर्डर, ये बहुत ये डिसिप्लिन से थोड़ा रिलेटेड है। ऑर्डर कंसर्न विद प्रॉपर एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स एंड पीपल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थिंग्स एंड पीपल, जो सब कुछ है मैनेज इस प्रिंसिपल्स के हिसाब से, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लोग और चीज़ें, उन जो चीज़ें हैं वो अपनी जगह पे होनी चाहिए, जो लोग हैं वो भी एक सोशल ऑर्डर के हिसाब से होना चाहिए, सोशल ऑर्डर के हिसाब से रहने चाहिए। मतलब जैसे चीज़ों की बात करें, अगर जो अलमारी है, अगर मेरा बुक शेल्फ है, अगर अभी यहाँ पर पड़ा है तो इसका एक प्रॉपर जगह है, अगर मेरा कंप्यूटर है या ऑफिस है, उनका एक स्पेस है, उनका एक प्लेस है, तो वहीं पे होना चाहिए। एक जैसे एक फाइल्स को अरेंज करने का एक सिस्टम होता है, तो एक मटेरियल का एक ऑर्डर होना चाहिए। ऐसे ही प्लेसमेंट ऑफ पीपल होना चाहिए कि कहाँ जो आपका वर्कर है या मैनेजर है उसको कहाँ पे रहना चाहिए, वो काम कहाँ पे करना चाहिए और कैफेटेरिया कहाँ पे होना चाहिए। तो इससे फ़ायदा क्या है, एक तो सेफ्टी आती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो यही है, एक सेफ्टी रहती है और टाइम की बचत होती है और एफिशिएंसी आती है। अगर मान लीजिए मटेरियल की बात करूँ, अगर मुझे पता है कि ये जगह है जहाँ पे मुझे ये वाली फ़ाइल मिलेगी, तो ऑब्वियसली जब भी मुझे वो एक पर्टिकुलर फाइल चाहिए होगी तो मैं उसी जगह पे जाऊँगा। तो ये हमारा प्रिंसिपल, ये जो ऑर्डर का प्रिंसिपल है ये कहता है। और प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, देखने पे ही पता चल जाता है, एक वर्ड से पता चल जाता है, इक्विटी, इक्विटी या इक्वालिटी भी आप बोल सकते हैं, इक्विटी भी बोल सकते हैं, कि हर एम्प्लॉय को आप बराबर तरीके से आपको ट्रीट करना चाहिए, हर एम्प्लॉय को आप बराबर तरीके से आप ट्रीट करोगे। मान लीजिए एक मेरे पास राइटर ए काम करता है, एक ए राइटर है और एक बी राइटर है, ओके, दोनों सेम काम कर रहे हैं, दोनों का जो एक्सपीरियंस लेवल सेम है, एक सा काम कर रहे हैं, सब कुछ सेम कर रहे हैं, अगर इसको मैं सैलरी दे दूं 20,000 रुपये, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और इसको मैं सैलरी दूं 30,000 रुपये, या मान लीजिए इसको मैंने सैलरी दे दी 10,000 रुपये सेम काम के, तो क्या होगा, ये बी जो राइटर है दुखी हो जाएगा, चाहे मार्केट में जो 10,000 ही वैल्यूएशन है, 10,000 ही मिलना चाहिए, लेकिन अगर मैं अलग अलग सैलरीज दूंगा सेम काम की तो ये सही नहीं है। अगर मेरा 30,000 का बजट है, दोनों को 15-15 दूंगा तो दोनों खुश रहेंगे, दोनों खुश रहेंगे, लेकिन अगर मैं इक्वालिटी नहीं रखूंगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी। ऐसे ये तो सिर्फ रिम्यूनरेशन की बात है, बहुत जगह पे ये प्रॉब्लम आ जाती है, कहाँ कहाँ इक्वालिटी होनी चाहिए, जो ऑफिस के जो इक्विपमेंट्स हैं या कुछ भी है, कैफेटेरिया में आने जाने की बात है, या इवन डिसिप्लिन पे आ जाता है कि जैसे फ़ोन यूज़ करना अलाउड नहीं है किसी ऑफिस में, अगर आप एक एम्प्लॉय को अलाउ करते हैं तो ये प्रिंसिपल को ब्रेक करता है कि एक पर्टिकुलर बंदे को क्यों आप अलाउ कर रहे हो और दूसरे को अलाउ नहीं क्यों नहीं कर रहे हो, या तो किसी को मत करो या अगर किया है तो सबको करो, तो इक्विटी होना बहुत ज़रूरी है। अगला प्रिंसिपल आ जाता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये स्टेबिलिटी। अगर किसी बंदे को हमने हायर किया, अगर HR डिपार्टमेंट ने किसी बंदे को हायर किया, उसको सीखने में काम उस काम को सीखने में उसको कुछ टाइम लगता है, 2 महीने 4 महीने 6 महीने, अगर डिफ़िकल्ट काम है तो साल लग जाता है। ऐसे ही बैंक में भी ऐसे ही काम होता है, प्रोबेशन पीरियड पे रखते हैं, 2 साल का प्रोबेशन होता है, कई बैंक में 1 साल का होता है, 2 साल का होता है, 3 साल का भी होता है प्राइवेट बैंक में। तो ये प्रिंसिपल हमें कहता है कि जो बंदा काम करना है उसको थोड़ा सीखने दीजिए, अगर जल्दी जल्दी उसका शिफ्ट होगा 6 महीने, अगर किसी काम को सीखने में एक बंदे को 3 महीने लगे और आप 3 महीने में किसी को निकाल देंगे, तो पहला तो जो ट्रेनिंग देने में जो खर्चा हुआ है वो वेस्ट हो जाएगा, वो पूरा पैसा वेस्ट हो जाएगा। दूसरा, जो साथ के एम्प्लॉयज़ हैं उनका मोरल ख़राब हो जाएगा, वो तो कहेंगे कि यहाँ तो कभी भी फायर कर सकते हैं, जो अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं वो भी छोड़ के आपको चले जाएंगे, वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे जहाँ उन्हें लाइफ में स्टेबिलिटी मिले कि यहाँ तो भाई हम बैठे हैं, अगले 5 साल तक हमने काम करना है, इनका कोई भरोसा नहीं है इस कंपनी का, पता नहीं आज निकाल दें पता नहीं कल निकाल दें, तो वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। तो इसमें यही है कि एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, आपको जल्दी जल्दी फायर नहीं करना चाहिए, ये नहीं है कि अब एम्प्लॉई आया 1 महीना आपने सिखाया और दूसरे महीने उसको निकाल दिया, दिस इज़ नॉट द राइट अप्रोच। इवन हायर करते हुए किसी भी कंपनी को ऐसे एम्प्लॉय को हायर नहीं करना चाहिए जो शॉर्ट टर्म के लिए बैठा है, तो एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए टेन्योर की।
मोटिवेशन बूस्ट होता है इस एम्प्लॉय का, ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल जो एफिशिएंसी है वो बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है। इनिशिएटिव, बहुत अच्छा प्रिंसिपल है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि एम्प्लॉयज़ को एक अथॉरिटी देनी चाहिए, थोड़ी बहुत अथॉरिटी देनी चाहिए ताकि वो खुद से इनिशिएटिव लेके काम करें। हमेशा ये ना हो कि उनको ऑर्डर दिया जाता है कि आप ये कर लो वो कर लो, उनको एक इनिशिएटिव लें, वो खुद से इनिशिएटिव लें काम को। जैसे यहाँ पे अगर बैंक एग्जाम छोटे की मैं बात करूँ, अगर हम यहाँ पे काम कर रहे हैं तो अगर एक इंग्लिश का राइटर, ऑब्वियसली अगर कोई इंग्लिश का राइटर है उसने एमए इंग्लिश करा है, या कोई कह लीजिए किसी और किसी टॉपिक का अगर जनरल अवेयरनेस का अगर स्पेसिफिक आईएएस की तैयारी कर चुका है, 4-5 साल पढ़ाया है, अगर उन लोगों को मैं बार बार बताऊं कि आप इंग्लिश में ये कर लो वो कर लो, अगर वो अपना कुछ इनिशिएटिव लेकर आते हैं उसको मैं मना करूं तो उनका एक मोटिवेशन ख़राब होता है। अगर मैं उनको अलाउ कर दूं, ठीक है आप जो कर रहे हैं आप सही कर रहे हैं, क्योंकि फैक्चुअली उन्हें जो जिसने एमए इंग्लिश करा है उसको लिटरेचर का मेरे से ज़्यादा नॉलेज है, क्योंकि मैंने कभी लिटरेचर नहीं पढ़ा और मेरे को इंग्लिश के बारे में उतना ज़्यादा अगर नहीं पता होगा जितना उस टीचर को पता है। जीके का मुझे जनरल अवेयरनेस का, एसएससी की जनरल अवेयरनेस का मुझे शायद उतना ना पता हो जितना वो 5 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदे को पता है। मुझे क्यूटी का पता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पता है, रीजनिंग का पता है, या करंट अफेयर्स वाले वो उसका पता है मुझे। जो मेरा फोर्टे नहीं है, जिसके बारे में मुझे स्पेशलाइजेशन नहीं है, उसके बारे में अगर जिस बंदे को स्पेशलाइजेशन है उसको इनिशिएटिव लेने देना चाहिए। तो ये प्रिंसिपल यही कहता है कि इनिशिएट करना चाहिए, इससे पूरे एटमॉस्फेयर में एक ट्रस्ट आता है और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मोटिवेट होते हैं। चलिए लास्ट प्रिंसिपल करते हैं, एस्पिरेटिक कॉप्स। इसका मतलब, एस्पिरेटिक कॉप्स का मतलब है टीम स्पिरिट, आई थिंक फ्रेंच वर्ड है ये, इसका मतलब ही है टीम स्पिरिट। पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है, पूरी टीम है, उसमें एक टीम स्पिरिट होना चाहिए, एक मोटिवेशन होना चाहिए पूरी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने का। ये कैसे आता है? पहले तो अगर आप इनिशिएटिव होगा तो ऑब्वियसली टीम स्पिरिट ऑब्वियसली बढ़ेगा। टीम स्पिरिट कैसे आप जो है वो भर सकते हैं अपनी पूरी टीम में? अगर इनफॉर्मल रिलेशनशिप अगर बिल्ड हो गए, अगर सबॉर्डिनेट्स में या एम्प्लॉयज़ में, अगर यहाँ पे राइटर्स 4-5 बैठे हैं, अगर सब खुश रहेंगे आपस में, इनका एक इनफॉर्मल रिलेशन होगा, आई हेलो होगा, सब कुछ होगा, तो एक अच्छा बॉन्ड बनता है सब में, तो एक अच्छी टीम की तरह काम करता है, एक एंथुजियाज़म होता है ऑफिस आने का। जैसे हमारे यहाँ अगर हम आपस में अच्छे से बात करें तो सबका ऑफिस आने का रोज़ दिल करेगा, बातचीत कर रहे हैं, साथ में खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो एक अच्छा इन्वायरमेंट बनता है, एक टीम स्पिरिट बनता है, मोटिवेशन एक अच्छे लेवल का रहता है, तो ये हमारा स्पिरिटिक कॉप्स कहता है। तो ये हो गए हमारे जो 14 प्रिंसिपल्स हैं, ये हमारे कहते हैं। एक एक प्रिंसिपल के बारे में आपको अच्छे से मैंने बता दिया है, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आरबीआई ग्रेड, ये जो मैंने करा है, ये अभी आरबीआई ग्रेड बी का जो एग्ज़ाम आने वाला है फेज़ टू का, ये मैंने आरबीआई ग्रेड बी के लिए किया है, आरबीआई ग्रेड बी फेज़ टू के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है फेज़ टू, एंड इसका मैं एक कंप्लीट कोर्स अभी बना रहा हूँ। ये उसका एक वीडियो आप जो देख रहे हैं उसका एक पार्ट है, मैनेजमेंट का एक छोटा सा पार्ट है, और भी बहुत सारी वीडियोस बना रहा हूँ मैं, मे बी विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज जो नंबर ऑफ़ वीडियोस हैं वो 50 से ज़्यादा जाएंगी सिर्फ इसी फेज़ टू के लिए। 50+ वीडियोस का हमारा टारगेट है, एक एक चैप्टर को हमने कवर करना है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ gkdigest.com पे जाइए, gkdigest.com पे जाइए, एंड आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 0161 460 8671, इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर आप मुझे ईमेल करना चाहते हैं तो ईमेल कर सकते हैं raman@bankexamstoday.com, ये मेरा ईमेल आईडी है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। सब्सक्राइब का बटन दबाएं, लाइक करें इस वीडियो को। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो के बारे में, प्रिंसिपल्स के बारे में, तो कमेंट करें या मुझे मेल भी कर सकते हैं, कमेंट करना बहुत अच्छा रहेगा, आप कमेंट करें। चलिए थैंक यू, थैंक्स अलॉट, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, थैंक्स अलॉट।